हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की बाइक का रिव्यू लेकर आने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सुजुकी GSX 125। तो मैं आपको इसके कंप्लीट कलर्स भी दिखाऊंगा और इसके ग्राफिक्स भी दिखाऊंगा और रिव्यू भी आपको इसका दूंगा, और काफ़ी ज़्यादा कमाल की वीडियो होने जा रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो दो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। अभी हम पहुँच चुके हैं सुजुकी GSX 125, जहाँ पर मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा। तो उस शोरूम पर हम पहुँच चुके हैं, इमरान ऑटोज फैसलाबाद नज़द नारवा चौक में ये शोरूम है। तो अभी हम शुरू करते हैं जी अपना सुजुकी GSX 125 का रिव्यू। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके टायर्स के अंदर हमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, रिम्स हमें देखने को मिल जाते हैं, इसके टायर 2.75-18 इंचेस के इसके व्हील देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इसकी ड्राइव भी है। सबसे पहले बात करते हैं जी इसकी फ्रंट साइड के बारे में, कि फ्रंट पर हमें कौन कौन सी चीज़ के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट पर हमें इसकी LED लाइट देखने को मिल जाती है, इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की रोशनी देखने को मिल जाती है, और इसके ऊपर ही आप देखें तो सुजुकी का हमें प्रिंटिंग वाला लोगो देखने को मिल जाता है, और साथ में इसके बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल वाले हमें इसके इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, और इसकी लाइट भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। और अभी आपको मैं इसके ग्राफिक्स दिखाता हूँ, तो ग्राफिक्स भी काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। ब्लैक कलर में ये वाला मॉडल सुजुकी GSX 125 मौजूद है इमरान ऑटोज़ के ऊपर। GSX की यहाँ पर प्रिंटिंग हुई पड़ी है ब्लैक के ऊपर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी हालत में बाइक ये वाली खड़ी हुई है इनके शोरूम पर, और इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है। बिल्कुल 0 मीटर बाइक है, लेकिन इसकी काफ़ी ज़्यादा प्राइस भी कम है। जैसे कि आप लोग इसके इंजन की क्वालिटी भी देख सकते हैं, इंजन इसका 125 cc हमें इसका इंजन देखने को मिल जाता है, और बैक पर आप चैन कवर के ऊपर देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई हैं, और यहाँ पर आप बैक टायर भी देख सकते हैं, 90-80 का इसका टायर है, और यहाँ पर आप इसके शॉक भी देख सकते हैं, और पीछे GSX 125 की प्रिंटिंग भी हमें देखने को मिल जाती है। तो अभी बात करते हैं जी इसकी बैक साइड के बारे में। बैक साइड पर आप इसकी लाइट देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की लाइट है, और साथ में इसके 2 इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, और बैक साइड पर हमें इसका मरगाट बैक मरगाट देखने को मिल जाता है, जो कि प्लास्टिक का है। और अभी इसकी सीट भी देख सकते हैं कि 167 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। और अब बात करते हैं जी इसके टैंक के बारे में। टैंक इसका 14 लीटर का टैंक है, और 140 किलोमीटर इसकी स्पीड है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके मीटर की क्वालिटी देख सकते हैं, कि मीटर के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, और राइट लेफ्ट इंडिकेटर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, और इसके ऊपर हमें हैंडल लॉक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और साथ में हमें इसका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा इसका मीटर देखने को मिल जाता है, और साथ ही रेड कलर भी यहाँ पर ही खड़ा है, और ब्लू कलर भी इसका अवेलेबल है, लेकिन वो अभी खड़ा है बेसमेंट के अंदर। तो तीनों कलर यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो बात करते हैं जी इसके गियर्स के बारे में, कि इसके हमें कितने गियर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसके हमें 5 गियर्स देखने को मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं जी इसकी स्टार्टिंग के बारे में। तो ये वाली बाइक हमें किक स्टार्ट वाले वर्जन में भी देखने को मिल जाती है, और ये वाली बाइक हमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाले वर्जन में भी देखने को मिल जाएगी। तो ये वाले वर्जन दोनों यही हैं। तो अब बात करते हैं जी इसकी प्राइस के बारे में, कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस बाइक की हमें प्राइस क्या देखने को मिल जाएगी। तो अभी पाकिस्तान में इसकी प्राइस 4,88,000 रुपीज़ देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस बाइक की प्राइस, तो मैंने आपको इसका मीटर भी चेक करवाया था, ये बाइक हमें बिल्कुल 0 मीटर कंडीशन में और बिल्कुल न्यू कंडीशन में अभी तक आप लोग देख सकते हैं कि इसके कहीं से भी कोई भी शॉप पर इसकी कहीं से कोई भी एलिमिनेशन इसकी नहीं उतरी। तो इस बाइक की प्राइस हमें 4,75,000 रुपीज़ हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये बाइक हमें कहाँ से मिलेगी? फैसलाबाद हमें इमरान ऑटोज नज़द नारवा चौक में ये वाली बाइक हमें अवेलेबल हो जाएगी। तो जिन भाइयों को चाहिए ये वाली बाइक, तो वो शोरूम पर जाएँ और अपनी बाइक को रजिस्टर करें, और ये खूबसूरत सी बाइक अपने नाम पर करें और इंजॉय करें। आपके साथ मैं सुजुकी की लेटेस्ट प्राइजेस शेयर करता जाऊं, तो आप लोग यहां पर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि सुजुकी की लेटेस्ट प्राइस हमें क्या देखने को मिल जाएगी, और ये वाली सुजुकी GSX में कौन सी प्राइस पर अवेलेबल है। उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी तो वो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर
कर लीजिएगा। तो ऐसे ही कमाल कमाल की वीडियोस मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप दोस्त भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।